हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज अपने पास इक्को आया था, 2019 मॉडल है ये। इसका फेंडर राइट साइड का चेंज किए हैं अपन, क्योंकि इसका फेंडर फट चुका था किसी चीज़ में पकड़ाने से, मतलब किसी चीज़ में टकराने से हुआ था ऐसा। तो कस्टमर ने ऐसी बात में बोला कि गाड़ी को अपने को बेचना है, तो मैंने रेट पूछा कतेक में, तो बोला एक्सचेंज में 4.5 लाख रुपए मांगा है और मैं 4.80 में दूंगा गाड़ी को, ये बोल रहा कस्टमर। तो किसी भाई को अगर ये गाड़ी का ज़रूरत हो तो गाड़ी को आप एक बार इस नंबर में संपर्क कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि ये गाड़ी ग्रामीण क्षेत्र से है, तो आप फ़ोन भी लगाएं तो समय देख के लगाएं, क्योंकि वो लोग हर हमेशा फ़ोन तो नहीं उठाएगा। तो मैं ये नंबर दे दिया हूँ गाड़ी का वाले के मालिक का। ये गाड़ी में वैसे रेट तो ज़्यादा है गाड़ी का, पर अगर किसी को लगे कि अपन बात करने से अगर रेट कम कर दे तो आपको जम जाए, तो आप संपर्क कर सकते हो और गाड़ी को ख़रीद सकते हो। गाड़ी करीब 20,000 किलोमीटर चला है, उससे ज़्यादा नहीं चला है गाड़ी, और गाड़ी में कहीं पे कुछ हुआ नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है गाड़ी, एकदम फ्रेश गाड़ी है। तो आप एक बार किसी को ख़रीदना हो तो आप एक बार इस नंबर में संपर्क कीजिए और जाके गाड़ी को एक बार देख लीजिए, सामने वाला बात करोगे तो एड्रेस पता सब आपको दे देगा। मेरा पास आया था, मेरा कस्टमर था, तो बात निकला, तो फिर मैं बोला ठीक है, मैं बोला मेरे चैनल में डाल दूँगा आपका वीडियो गाड़ी का, अगर किसी की ज़रूरत हो तो आपसे संपर्क कर लेगा बोला के। तो कस्टमर बोला ठीक है, तो मैं ये वीडियो डाला हूँ, किसी को भी ज़रूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हो। गाड़ी कागजात भी दे दिया हूँ, और बाकी जो भी बात होगा आप फ़ोन लगा के सामने वाले से बात कर लेना। तो गाड़ी तो इसे 4.85 में, मतलब बहुत ज़्यादा है गाड़ी का रेट, वैसे नया अभी शायद 5.95 के आसपास, 6 लाख के आसपास मिल जा रहा है नया नया मॉडल वो भी अभी का, और वो तो 2019 मॉडल है शायद गाड़ी, मेरे को भी कंफर्म नहीं पता। कागजात का मैं बहुत सा कागजात का फ़ोटो दे दिया हूँ, अब बाकी आप संपर्क करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिटेल में। जिस किसी को इसके बारे में जानकारी लेना हो या किसी को ख़रीदना हो तो आप इस नंबर में संपर्क कर लेना, और पूरा वीडियो देखें, वाचिंग करें, उसके बाद पूरा बात को समझ लें, फिर जाके फ़ोन लगाएं। ये मत बोलना फिर बाद में कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है भैया? ओके बाय। तो मिलते हैं दोस्तों।